गुड मॉर्निंग क्लास थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज 1.5 इन द कॉपी, राइट? टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.6 इन द कॉपी. सो इट विल बी फाउंड ऑन पेज नंबर 20 ऑफ योर मैथ्स बुक. क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट्स. सो व्हाट डिड आई डू स्टूडेंट्स, जब मैंने कॉपी में आपको मैं अभी बताऊंगी, आई हैव एडेड 2 मोर पार्ट्स टू इट. दैट मीन्स 4 पार्ट्स मैंने इसके भी कर दिए हैं. एंड देन नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 1.6 विच हैज अगेन 2 पार्ट्स. हेयर ऑल्सो आई हैव एडेड 2 मोर पार्ट्स टू मेक इट 4 पार्ट्स. देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे. लुक एट योर कॉपी स्टूडेंट्स. Here I have mentioned today's date. What is it? 8th May, right? And here on the other corner, classwork. On the top, mention chapter number 1, exercise 1.6, which is on page number 20. Question number 1. Here I have not written the question, but आपको पता है ना, जब आप book से copy down करते हैं, तो you will write the question neatly. Exactly same question लिखना. What is the question? Form the greatest and the smallest 4 and 5 digit number without repeating the given digits. आपको याद है, मैंने जब पहले क्लास में आपको बताया था, जब हम बुक आपकी फिल कर रहे थे, then I have told you how to use these digits to form greatest number and smallest number. दो रूल मैंने आपको समझाए थे, चलो वो रूल अप्लाई करके हम बी वाला पार्ट कॉपी में करते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, द रूल इज whenever you are writing the greatest number, that means biggest number, then you will write the given digits in descending order. आपको पता है descending order, decreasing order, bigger to smaller. So we will write the digits bigger to smaller. Which is the biggest among these? 9. So 9, then 8, 6, 3. So we have written in descending order. Put the comma, 1s, 10s, 100. So 9,863 is the greatest number which is formed using these given digits. Smallest number form karne ke liye, we have to arrange the given digits in ascending order, smaller to bigger. So smallest se start karenge, 3, 6, 8, 9. So we'll write 3, 6, 8, 9. After writing the digits, put comma to make it a number, 3,689. Okay, students, similarly, you will do rest of the parts. Question number 2, you will begin this question writing the question from page number 20. That is, write the smallest and greatest 4-digit number using the given digit at least once. तो जो हमें digits दे रखी है, उनको कम से कम आपको एक बार तो use करना है और इन्हीं digits से आपको 4-digit number बताना है. If you look at these digits, students, हर उसमें हर पार्ट में आपके पास 3 डिजिट्स दे रखी है ना, पर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो कौन सा वो डिजिट होगा जिसको हमें रिपीट करना है, राइट? तो पहली बात मैं बता दूं, इन योर बुक ओनली दीज टू पार्ट्स आर गिवन, राइट? सी एंड डी आर एडेड बाय मी. सो लेट अस डू बी पार्ट. हाउ विल वी डू? स्मॉलेस्ट नंबर हैज टू बी रिटन. स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट से होगा. स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 है, पर अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो वो नंबर छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है? 0 से कोई भी डिजिट बिगिन नहीं करनी है. सो वी विल बिगिन विथ 1, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर. सो वी विल राइट 1. और आपको पता है 3 डिजिट दे रखी है, हमें 4 डिजिट बनाना है, तो कौन सा नंबर हम रिपीट करेंगे? ये वाला नंबर, जो सबसे छोटा डिजिट होगा तीनों डिजिट्स में, वो रिपीट करेंगे. कितने बार रिपीट करेंगे? एक बार तो हमें यूज करना ही है, तो रिपीट करने के लिए हम 2 बार 0 को यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है. आफ्टर दैट विच इज द विच नंबर विल कम? 5 विल कम. दिस इज हाउ वी हैव मेड 4 डिजिट नंबर. एंड टू मेक ग्रेटेस्ट नंबर, वी विल अरेंज देम इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर टू स्मॉलर, 5, 1, 0. और कौन सा नंबर रिपीट करेंगे हम? बड़ा नंबर रिपीट करेंगे. सो वी विल राइट 5 2 टाइम्स, देन 1, 0. दिस इज हाउ वी विल मेक द ग्रेटेस्ट नंबर. ट्राई दीज पार्ट्स योरसेल्फ एंड देन बी कॉन्फिडेंट डूइंग दीज क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट एट लीस्ट वंस. तो
कम से कम एक बार आपको यूज करनी है ये वाली डिजिट्स और 5 डिजिट नंबर बनाना है। देखो वही प्रॉब्लम आई ना, यहाँ पे 4 डिजिट दे रखे हैं आपको, बर बनाना है 5 डिजिट। सेम रूल वी विल अप्लाई, लेट अस डू बी पार्ट हेयर। 4309 आर गिवन। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे, 0, 3, 4, 9, और मैंने आपको बताया 0 से तो स्टार्ट नहीं करना, सो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, एक एक्स्ट्रा हमें डिजिट बढ़ाना है, राइट? तो वो कौन सा होगा जो सबसे छोटा है? सबसे छोटा 0 है ना, तो 0 एक बार तो लिखना ही है हमें, 3 के बाद एक और बार 0 आएगा, राइट? आफ्टर दैट कौन से नंबर आएंगे 3 0 के बाद? 4 9। दिस इज हाउ यू विल मेक द 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बिगेस्ट के लिए हमें, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर में लिखना है, 9, 4, 3, 0, ऐसे है ना। पर कौन सा डिजिट रिपीट होगा? सबसे बड़ा वाला, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 9 है, तो 9 को दो बार लिखना है, 9, 9, 4, 3, 0, 4, 3, 0, इस तरीके से आपको करना है। ओके, कॉमा पुट जरूर करना। तो स्टूडेंट्स, आप जब बुक में देखोगे, थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो हैव 2 पार्ट्स, सो दीज 2 पार्ट्स आर एडेड बाय मी, यू हैव टू डू देम ऑल इन योर मैथ्स कॉपी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज 1.6। यही आपका क्लास वर्क होमवर्क है, तो आप अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, स्टे वेल, स्टे हैप्पी, बाय बाय।